Good morning everyone, welcome to Saket classes. Today I am going to discuss about exercise 4.3 class 9 chapter 4 linear equation in two variable. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में. इससे पहले आपका पार्ट 1 में एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस किया हुआ है और पार्ट 2 वीडियो आप देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 और आज ये है पार्ट 3, इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3. इसमें क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसमें हमको क्या देखना है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्या देखना है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इस एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग देखेंगे ग्राफ कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस किए थे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0. ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है टू वेरिएबल का. इसमें x और y क्या है, x एंड y आर टू वेरिएबल्स. x एंड y आर टू वेरिएबल्स और a b and c आर क्या है, रियल नंबर. a b and c आर रियल नंबर्स और a and b is not both zero. a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए. तो ये जनरल फॉर्म था क्या, किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. और क्या देखे थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन आता है. तो कैसे आएगा, अभी हम ग्राफ डिस्कस करेंगे. आपका एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मतलब दो वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है टू वेरिएबल का और एक एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. तो हम देखेंगे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है. तो ये आपका जनरल फॉर्म था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुए थे. तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें चार क्वेश्चन है ना, फोर इक्वेशन दिया हुआ है और एक एक इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. तो एक दो इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप दो इक्वेशन अपने से डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट x प्लस y इक्वल टू 4. तो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, x प्लस y इक्वल टू 4. अब करना क्या है, इसको पहले सॉल्यूशन करना है ना, सॉल्यूशन करना है. स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट टू सॉल्यूशन होना चाहिए. x प्लस y इक्वल टू 4 है तो फर्स्ट में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन आपने पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया हूं कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का. x का कोई वैल्यू लेते हैं और फिर y का वैल्यू हमको मिलता है. तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बट यहाँ पे एटलीस्ट टू सॉल्यूशन, ग्राफ बनाने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए दो सॉल्यूशन चाहिए. तो आप देखो x प्लस y इक्वल टू 4 है, एटलीस्ट टू सॉल्यूशन करना है. दो से अधिक तीन चार भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो सॉल्यूशन होना चाहिए. अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन, टेक x इक्वल टू 0, x में कोई वैल्यू लेंगे 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x में अगर 0 लोगे तो 0 प्लस y इक्वल टू 4, इसीलिए y इक्वल टू 4. यानी कि x में 0 लिए तो y क्या आ गया, 4 आ गया. और सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब x पहले और y बाद में, ब्रैकेट में, इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर में सॉल्यूशन को लिखते हैं. तो यहां पे क्या आया, 0 4, क्या आया, 0 4, ठीक है, एक सॉल्यूशन हुआ. तो ये इसमें मिनिमम कितना लेना है, दो सॉल्यूशन. नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, टेक अब x इक्वल टू 0 ली, x 1 लेके देखते हैं, x इक्वल टू 1, तो x अगर 1 लेंगे तो y क्या आएगा, 1 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 1, y इक्वल टू 3. तो x में 1 लिए तो y क्या आया, 3. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 और 3.
ठीक है, दो सॉल्यूशन हुआ। एक और सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, ऐसे मिनिमम तीन दो होना चाहिए, एक और ले सकते हैं। अगर आप यहाँ टू लेते हैं, टेक एक्स इक्वल टू टू, तो क्या होगा, टू प्लस वाई इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू फोर माइनस टू इक्वल टू टू, यानी कि एक्स पे टू लिए तो वाई में क्या आया, टू आ गया। तो वो मिनिमम जो है ये टू और टू, टू और टू हुआ। तो मिनिमम दो सॉल्यूशन हमको चाहिए ग्राफ के लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे टेबल बना सकते हैं ना, इसके लिए एक्स वाई, ठीक है, मिनिमम हमको दो से अधिक सॉल्यूशन कर सकते हैं, तीन चार, लेकिन यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिनिमम होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या लिए, जीरो फोर, अगर x में जीरो लिए तो y में क्या आया था, फोर, x में वन लिए थे तो y में क्या आया था, थ्री। तो मिनिमम दो होना चाहिए ग्राफ के लिए, दो से अधिक भी आप ले सकते हैं, थ्री फोर। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, स्टेप टू, स्टेप टू क्या करेंगे, ड्रॉ ग्राफ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, ओरिजिन, और इक्वल डिस्टेंस में इसके लेते हैं वन यूनिट का, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। इधर क्या, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ठीक है। इधर क्या, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर वाइडर्स में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इस पॉइंट को, जो सॉल्यूशन ये क्या दिया, ये पॉइंट मिला ना, एक पॉइंट ये पॉइंट है एक, और एक पॉइंट ये है। अब इसको हमको ग्राफ पे डिनोट करना है पॉइंट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, जीरो और फोर। जीरो फोर का मतलब क्या, ये एक्स में जीरो है और वाई में क्या है, फोर है, यही ना एक्स वाई। तो एक्स में जीरो और वाई में फोर, तो कहाँ आएगा, एक्स में जीरो और वाई में फोर, यानी कि वाई एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ ये हुआ जीरो और फोर, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन और थ्री, एक्स में वन, तो एक्स में वन यहाँ है और वाई में थ्री, तो वन के सामने और वाई में थ्री यूनिट यहाँ, तो ये पॉइंट क्या आएगा, वन और थ्री। तो ये दो पॉइंट मिला। फिर आप क्या करेंगे, स्केल से दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हो गया, लाइन ड्रॉ हो गया ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही आपका दिस इज रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका ग्राफ हुआ। तो दो पॉइंट मिनिमम लेना है ना, दो सॉल्यूशन करना है। तो एक सॉल्यूशन जीरो फोर, तो ये पॉइंट यहाँ आया। नेक्स्ट सॉल्यूशन वन और थ्री, तो ये पॉइंट यहाँ आया, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या आ गया, आपका एक स्ट्रेट लाइन मिला, जो किसका ग्राफ हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। तो ये जो ग्राफ आया वो ग्राफ किसका है, किसका है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर का ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका है ग्राफ। इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो ये फर्स्ट आप देखे, इसी तरह से आप मिनिमम दो सॉल्यूशन करके ना, मिनिमम दो सॉल्यूशन करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और हम बता दे रहे हैं, नेक्स्ट है आपका x माइनस y इक्वल टू टू, तो ये आप अपने से करेंगे। फिर है y इक्वल टू थ्री एक्स, ये हम थर्ड वाला एक तो और बता देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड इक्वेशन, इसी का फर्स्ट का जो थर्ड इक्वेशन है, वो थर्ड इक्वेशन क्या है फर्स्ट का, y इक्वल टू थ्री एक्स। अब क्या बताया सबसे फर्स्ट में, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में करना है कि सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, सॉल्यूशन कितना, एटलीस्ट टू, कम से कम मिनिमम दो सॉल्यूशन। अब y इक्वल टू थ्री एक्स ये आपका इक्वेशन है, तो आप देखो कि दो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन टेक एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स में जीरो रहेंगे, जीरो बैठाओगे तो वाई क्या आएगा, वाई इक्वल टू थ्री इंटू जीरो, यानी कि जीरो। तो अगर एक्स में जीरो लिए तो वाई भी जीरो आ गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, जीरो और जीरो, ठीक है। नंबर टू एक और लेंगे, टेक
टेक एक्स इक्वल टू वन, अगर एक्स में वन लेते हैं तो वाई इक्वल टू थ्री इंटू वन यानी कि थ्री, तो वन लिए तो क्या आया थ्री आया, तो ये दो सॉल्यूशन हो गया जीरो जीरो और वन थ्री। आप एक और भी ले सकते हैं, ठीक है, आप और भी यहाँ पे x में 2 लेके देखे तो एक और सॉल्यूशन कर लो, टेक x इक्वल टू टू, तो x में 2 लोगे तो y इक्वल टू थ्री इंटू टू, थ्री टू जा सिक्स, यानी कि दो लिए तो क्या आया सिक्स आया। तो ये आपका तीन सॉल्यूशन मिला, जीरो जीरो वन थ्री और टू सिक्स। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फिर से ग्राफ वैसे ही जैसे ड्रॉ करते हैं, पहले तो टेबल बना लेंगे एक्स और वाई का, ठीक है, एक्स वाई के सॉल्यूशन का टेबल बना लेंगे ऐसे ना। तो तीन सॉल्यूशन किए हैं तो तीन टूल बॉक्स बना लेंगे। अब एक्स में पहले लिए जीरो जीरो, तो वाई में क्या आया जीरो, एक्स में लिए वन तो वाई में क्या आया थ्री, एक्स में लिए टू तो वाई में क्या आया सिक्स सिक्स, ये सॉल्यूशन होगा। इसके बाद अब करना क्या है, स्टेप टू में, स्टेप टू में ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ ग्राफ ना, तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या बताया, एक्स 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 डैश वाई वाई डैश, ऑरिजिन जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। ये आप कितना भी ले सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि सिक्स तक, तो इसमें भी सिक्स तक, जितना जरूरत हो आवश्यकता के अनुसार आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है। अब आप ड्रॉ करें ग्राफ, तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है, एक्स में जीरो वाई में जीरो, तो एक्स में जीरो और वाई में जीरो कहाँ आएगा, ओरिजिन पे ही आएगा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका जीरो जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है वन और थ्री, एक्स में वन लिए तो वाई में थ्री, वन के सामने यहाँ पे वाई यूनिट में थ्री, तो आपका कहाँ आया, ये आया पॉइंट वन और थ्री, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट भी कर लेते हैं, तो थर्ड में क्या है, एक्स में टू वाई में सिक्स, तो एक्स में टू यहाँ है और वाई में सिक्स, इसके सामने आइए कहाँ तक सिक्स में, वाई में सिक्स, तो यहाँ पे ना, तो ये आपका आया टू और सिक्स, तो आपका टू सिक्स है, ये आपका है वन और थ्री और ये आपका है जीरो जीरो। स्केल से क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका बन गया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये आपका ग्राफ हुआ, और ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, इक्वेशन वाई इक्वल टू थ्री एक्स का। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके नेक्स्ट।